नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में होगा जो कि कोबे शहर में कुछ ही दिन पहले हुआ था। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 11वां संस्करण 17 से 25 मई 2024 को जापान के कोबे शहर के कोबे यूनिवर्साइड मेमोरियल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। यह पहली बार था कि इस चैंपियनशिप का आयोजन पूर्वी एशिया में आयोजित किया गया था। इस चैंपियनशिप में भारत के 43 एथलीट्स ने भाग लिया। भारत ने विश्व चैंपियनशिप में अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज करते हुए कुल 6 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीते। स्वर्ण पदक विजेता कुछ इस प्रकार से हैं: सिमरन शर्मा, दीप्ति जीवन जी, सचिन खिलाड़ी, सुमित अंतिल, थंगावेलु मरियप्पन और एकता भ्याण। और ये वीडियो है जब सुमित अंतिल थ्रो कर रहे हैं। और ये कुछ तस्वीर है जब सुमित अंतिल कोच से बात कर रहे हैं। रजत पदक के विजेता थे योगेश खातुनिया, निषाद कुमार, रिंकू, कशिश लाकड़ा और भाग्यश्री यादव। कांस्य पदक विजेता थे धर्मवीर, नवदीप, अजीत सिंह, संदीप और प्रीति पाल। ये है नवदीप का मेडल सेरेमनी, जहाँ पे F41 वर्ग में उन्होंने कांस्य पदक जीता था। क्लोजिंग सेरेमनी के चित्र, ये हैं कोचेस के फोटो और इनके अमूल्य योगदान की सराहना होनी चाहिए क्योंकि इनके कारण ही भारत इस प्रतियोगिता में अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हो पाया। हम सभी को इस साल पेरिस में होने वाले पैरालंपिक में और अधिक पदकों की आशा रहेगी। आप सभी का धन्यवाद।